सब्सक्राइब कीजिए इलेक्ट्रोफिजिक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल इलेक्ट्रोफिजिक्स के फ्रेश कमाल एपिसोड में। और जैसे सुबह उठा मैं, इतनी अच्छी न्यूज मिली मेरे को, मम्मी ने सुबह मेरे को उठाया और बोला कि 1000 सब्सक्राइबर जो है मेरे पूरे हो चुके हैं। और यार सुबह से मतलब मजा ही आ गया, मैं क्या अब वर्ड्स नहीं है मेरे पे, मजा ही आ गया बस। इतनी मेहनत कर रहा था मैं, 2 साल से इतनी मेहनत कर रहा था, 1 साल तो मेरा पूरा वेस्ट हो गया था। मैं 12th के कारण, बोर्ड्स के कारण डाल नहीं पाया वीडियोस को, उसके बाद मैं लगा रहा, मजा ही आ गया यार। थैंक यू। मेरे को पता है यार 5000 बहुत कम है, एक छोटी चीज है, बट मेरे लिए एक जो टारगेट था 5000 जो सब्सक्राइबर पूरा करने का, मैं 2 साल से लगा हुआ था, कंटिन्यूसली कंटेंट डाल रहा था। और एंड में यार वही बात होती है यार, मेहनत करोगे तो आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा कभी ना कभी। थैंक्स तो आपको बोलना चाहता हूँ यार, आप सभी की वजह से जो हमारी फैमिली है वो 5000 सब्सक्राइबर्स की हो गई है। और आपने इतना प्यार कराया यार, इतना सपोर्ट किया, एक सबसे बात साथ में एक मोरल सपोर्ट होता है कि हाँ भाई हम आपकी वीडियोस देख रहे हैं, आपकी वीडियोस अच्छी है, कमेंट किया, लाइक किया वीडियो को, उससे जो मेरे को मोरल सपोर्ट मिला है, उसने मेरे को कहा कि भाई आप वीडियो डालो, वीडियो डालते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे कोई बात नहीं, आप लोगों की वजह से हुआ है। जितने भी मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पे जितनी भी लैब बनाई है, जितनी चीजें बनाई है, वो आप सभी की वजह से बनाई है मैंने, बाकी मैं कुछ नहीं था वैसे, आप सभी ने मेरे को बनाया। और साथ में मैं थैंक्स उनको भी बोलना चाहूंगा जो भाई डिसलाइक करते हैं वीडियोस को और कमेंट्स हेट कमेंट करते हैं। इसका रीजन मैं बता देता हूँ, दो हमेशा एक ओपिनियन होने चाहिए अपने पास, ठीक है। अगर कोई कुछ काम कर रहा है तो उस पर एक अच्छे चीज वाले भी होने चाहिए जो अच्छी चीज बोले, और एक बुरी चीज वाले भी होने चाहिए ताकि बैलेंस जो है वो बना रहता है ना, तो जो इक्विलिब्रियम से चीजें हैं वो थोड़ी हिल जाती हैं। और आपको पता है कोई भी अगर ज्यादा हवा में उड़ रहा हो तो उसके लिए हेटर्स भी होने चाहिए, डिसलाइक भी होने चाहिए। और पिछले वीडियो में मैं एक कमेंट पढ़ा मैंने, जो था हमारे लॉर्ड इलेक्ट्रॉन का, और उन्होंने कमेंट क्या लिखा कि मैंने एक बैटरी मिस कर दी जिसका नाम था पोटैटो बैटरी, पोटैटो पोटैटो आलू दम आलू जो ले लो, वो सब मैंने एक बैटरी मिस कर दी। तो यार इस पे वीडियो बनानी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ये बहुत बड़ा र्यूमर एक फेमस है, र्यूमर भी नहीं कहूँगा, सच्चाई भी हो सकती है। तो मैंने वीडियोस मैंने कल परसों में वीडियोस मैंने सर्च करना शुरू कर दिया, और मैंने देखा कि भाई 100-150 वीडियो इस टॉपिक पे बने हुए है, हाउ टू मेक अ पोटैटो बैटरी। जैसे कि आप सबको पता है मैं हूँ द सुपर एक्सपोजर, तो मेरे को तो रेक्टिफाई करना ही था ना, बजा दो यार एक बार इंट्रो, बजा दो जल्दी से, ठीक है। यहाँ पर मैं एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम, तो और तो कुछ कह नहीं सकता मैं, मेरे को भी कुछ ज्यादा इसका विज्ञान पता नहीं है, क्योंकि बायो वाले ज्यादा अच्छे आप एक्सप्लेन कर पाओगे क्या अंदर स्टार्च वगैरह रहता है, केमिकल्स क्या रहते हैं, बट हम इसको टेस्ट करेंगे कि क्या बल्ब जल सकता है। देखते हैं, बढ़िया सा बना के देखते हैं एक बारी, देखते हैं, रेक्टिफाई तो करना पड़ेगा। तो यार स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहला स्टेप इसको करने के लिए ये है कि आपको घर में थोड़ी सी मार खानी पड़ेगी, जैसे मैंने खाई है अभी, जोक सपाट मैंने सच में मार खाई है इसके लिए। और हाँ एक चीज और, ये चीज तो मैं ठीक बता रहा हूँ इलेक्ट्रोफिजिक्स में, मैं डेली ब्लॉग्स भी स्टार्ट कर रहा हूँ अपने दूसरे चैनल पे, उत्कर्ष ढोंडियाल चैनल, आप चेक कर लो, यहाँ पे है फोटो। ये आलू है मेरे पास, आलू तो है, ठीक है, 2 कीले लूंगा मैं, उसमें लिखा था एक में ऐसे डालो और इधर भी ऐसे डाल दिया, बहुत बढ़िया, अजीब सा जूस निकलेगा इसके अंदर से जिसकी स्मेल बहुत गंदी होगी, तो हाथ साफ कर लेते हैं ऐसे करके ना, टच कर देते हैं इस पे जरा, ठीक है भाई। ओ ओ नहीं चली ये तो, चलो नहीं चली, घर पे डांट बहुत पड़ती है, खाने मम्मी कहती है खाने वाने से चीज़ों से खेला मत करो, उनको क्या बताऊँ, खेलना नहीं है, सच्चाई का सामना हो रहा है यहाँ पे, सच्चाई हो रही है, सच्चाई लोगों को जो गुमराह कर रहे हैं ना, इन लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, उस सच्चाई को यहाँ पे हम साबित कर रहे हैं। कटर से काटता हूँ 2 तारे बढ़िया सी, उसको ऐसे लपेटता हूँ बढ़िया सा, मुझे नहीं लगता चलेगा बट क्लेम कर रहे हैं, इतनी सारी वीडियोस बने तो क्या पता चल जाए। नथिंग, मुझे ऐसा कोई लग रहा है जल रही है या फिर वो रिफ्लेक्शन है, नहीं वो रिफ्लेक्शन ही है, नहीं जल रही, लाइट भी बंद कर दी अब तो मैंने,
चलो भाई नहीं चल रही, क्यों मना रहे लोगों को पागल, ये मेरे को बता दो यार, क्यों आखिर क्यों, क्या चाहते हैं लोग, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं पता। आलू भी वेस्ट कर दिया यार मेरा। चलो अब मैं क्या हूं, मैं आपको पता है मैं कौन हूं, मैं हूं इलेक्ट्रोफिजिक्स, हमारी टीम है बिल्कुल ठीक है, पूरी टीम है हमारी, बहुत बड़ी टीम है एक आदमी की, वो मैं ही हूं। तो हम इसको चला के दिखाते हैं अभी, बल्ब, मैं सब बल्ब चलाता हूँ, तुम छोटा छोटी मोटी चीजें नहीं करता, मैं बल्ब चला के दिखाऊंगा। तो यार मैं अब लॉर्ड इलेक्ट्रॉन जो है उनको थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि मिला कि भाई मेरे को लगा कि इस टॉपिक पे मेरे को वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि यार बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा र्यूमर है कि जो हमारे पोटेटोज है उससे एलईडी जल जाएगी, उससे आपके जल जाएगा, बल्ब जल जाएगा, 40 दिन की फ्री एनर्जी मिल जाएगी। सबसे पहली बात, फ्री एनर्जी होती नहीं है ठीक है, हमारा लॉ होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, वो ये कहता है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है चीजें, यहाँ पे भी जो फॉर्म होंगे वो केमिकल एनर्जी होगी। अगर इनकेस, अभी मेरे केस में एलईडी चली नहीं छोटी वाली, अगर इनकेस किसी के चल रहा है तो वहां पे जो है केमिकल जो रिएक्शन हो रहा होगा वहां से केमिकल एनर्जी हमारी चेंज हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और कोई फ्री एनर्जी नहीं है यहाँ पे, पहली बात। दूसरी बात, 220 वोल्ट तो है ही नहीं सकता, इतनी पावर उन पे है नहीं, इतने वोल्टेज भी नहीं है कि जितने वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर पाए और ये जो हमारा बल्ब है वो जल जाए ठीक है। दूसरी बात ये हो गई, तो जितनी भी वीडियोस बना रहे हो ना ये मत करो, तो मान ले यहाँ पे बैठा हूं मैं, ये बैठा हूं मैं अभी, जितने भी वीडियोस बना रहे हो फेक जो वीडियोस बन रही है, स्कैम वीडियोस बन रही है, उधर बैठा हूं मैं एक्सपोज करने के लिए ठीक है। तीसरी चीज ये हो गई। चौथी चीज, अब कुछों ने तार लगवा के, स्विच लगा के और कनेक्शन करके बल्ब जला भी दिया। स्लो क्लैप्स। पहली चीज, बल्ब मैं भी जलाने की क्लेम कर रहा हूं, बट आपको पता लग गया होगा क्या सीधी सीधी मैं पकड़ा गया, वीडियो एडिटिंग ठीक है, वीडियो एडिट कर ली, वहां पर उन्होंने कुछ कुछ फिल्टर लगा दिया और वहां पे अब बल्ब ग्लो करता हुआ दिखा दिया। अगली बात, कुछ ने ये नहीं किया, कुछ थोड़े ज्यादा चला, थोड़े मतलब दिमाग से तेज है ना, थोड़े दिमाग से तेज है, बल्ब ऐसे जला के दिखाएंगे लोगों को, बेवकूफ बनाएंगे कि ना देखो हमारी कोई वीडियो एडिट नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, हम तो भाई बिल्कुल सच्चे हैं, सच्चे में हमने पोटेटो से चला के दिखा दिया। अब मैं बताया था उनको, एक टेस्ला कॉइल नाम की चीज आपने सुनी होगी, टेस्ला कॉइल ठीक है, टेस्ला कॉइल क्या करती है, आसपास अपनी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाती है, उससे क्या होता है, उससे जो भी कोई भी अगर आप चीजें लाओगे तो वो एक्साइट हो जाती है। अब उनके केस में उन्होंने CFL जला के दिखाया था ठीक है, तो LED बल्ब टेस्ला कॉइल से ऑन नहीं होता है, तो मैंने पहली गलती पकड़ ली थी, उनकी पहली गलती पकड़ ली थी मैंने वीडियो में कि भाई उन्होंने CFL बल्ब जला रखा, और CFL बल्ब, सिर्फ CFL बल्ब ही टेस्ला कॉइल से एक्साइट होकर ऑन, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्साइट होके इस हाई वोल्टेज से टेस्ला कॉइल की वो बल्ब जो है जल जाता है CFL। अब मेरे को कुछ बोलेंगे कि आपने भाई हमने वीडियोज देखी जिसमें उन्होंने LED बल्ब जला दिया ठीक है, अब LED बल्ब सिस्का कंपनी है, सिस्का के LED बल्ब आते हैं जो कि इन्वर्टर के 12 वोल्ट के LED बल्ब होते हैं, उसके अंदर उसको आप कम 8 घंटे उसको चार्ज करते हैं और वो बैकअप दे देते हैं आपको 40 घंटे का, ये वो क्लेम है, वो सिस्का के 8 घंटे आप उसको चलाओ और 40 घंटे का बैकअप देंगे। और वो क्या बल्ब, वो मैंने देखे, मैंने सर्च करे अमेजन पे, तो वो बल्ब में क्या होता है कि आप उसके जो दोनों टर्मिनल्स है उसको शॉर्ट करोगे तो बल्ब ऑन हो जाता है। तो मतलब उन्होंने क्या किया, जो तार से जो वायरिंग दिखाई ना, तो उन्होंने जो दोनों एंड से वो शॉर्ट कर दिए और वो बल्ब जला के दिखा दिया। इतने स्मार्ट भाई, इतना स्मार्ट में अच्छा कंटेंट बना लो यार, क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, क्यों बना रहे हो लोगों को बेवकूफ, लोग खुद ट्राई करते हैं गलत होता है फिर वेस्ट भी जाता है। बताओ ये तो आलू खराब चले गए मेरे, बताओ दो आलू को क्या करूं मैं, इससे बढ़िया मैं कुछ अच्छा बनाता, तो देखो ऐसे मत करो प्लीज। तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपको कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो।